ठीक है, बट माहौल है भाई, पहला डे में ही माहौल है आज। नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है भाई साहब, इसको देख के डर लग जाता है, पता नहीं। Hey guys, welcome back, हमारे नए YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी मैं अंबिकापुर में हूँ, देन अभी हम लोग मेन पार्ट के लिए निकल रहे हैं। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, वैसे तो 11 बजे से माहौल चालू हो जाता है, लेकिन शाम से ज़्यादा माहौल देखने को मिलता है मेन पार्ट महोत्सव में। रंग रंग कार्यक्रम भी होने वाले हैं ऐसा मुझे पता चला है, तो आज तानी जी और मैं दोनों निकल रहे हैं मेन पार्ट घूमने के लिए, मतलब कि मेन पार्ट महोत्सव घूमने के लिए। तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हो गया हूँ, नहा धो के एकदम फ्रेश। आज तानी जी भी व्लॉग शूट करेंगे, पहली बार मेला मड़ई वाला 3 दिन का महोत्सव। देखो चेहरे में चमक इनके, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखो इनको बोलता हूँ कि टाइम जब भी मिलता है तो व्लॉगिंग शूट किया करो करके, बट ये करती नहीं है। कोशिश करती है। अगर इनका चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिएगा, बनाती है ठीक ठाक वीडियो बना लेती है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शायद और अच्छे से बनाएगी। तो चलिए निकलते हैं गाइस। गाइस तो अभी मेन पार्ट अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन उस बीच में यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा दृश्य है जो मुझे यहाँ पर रोक दिया है। मुझे लगा कि ये भी आप लोगों को दिखलाना चाहिए। मेन पार्ट में कई बार आया हूँ, लेकिन मेन पार्ट की जो खूबसूरती ना भाई, वो आप यहाँ खुद आकर महसूस कर पाएंगे। वीडियो में उतना अच्छे से प्रॉपर समझ में नहीं आता है। तानी जी भी हमारे साथ में, ये देखिए उनकी बहन का एग्जाम है करके वो नहीं आ पाए, बट पीछे का नज़ारा देखिए भाई, आपको बैक कैमरे से दिखाएंगे। और यहाँ पे ना मेन पार्ट के लिए जब एंट्री लेंगे ना, तो वहाँ पे रोड थोड़ा सा खराब है, मतलब कि रोड चौड़ीकरण किया जा रहा है, इस वजह से काफी दिक्कत, मतलब कि 10 से 15 किलोमीटर के जो रूट है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला रूट था, और तेज हवा चल रही है तो शायद मेरी आवाज आप लोगों को ना आ पा रहा हो, तो मैं यहाँ का व्यू दिखलाता हूँ। हम लोग काफी हाइट में है गाइस, ये पहाड़ी एरिया है और बीच में भी देख रहे हैं पूरा खाई जैसा बना हुआ है। ये फ्लैग उड़ रहे हैं यहाँ पे रंग बिरंगे, तरह तरह के यहाँ पे तिब्बती लोग रहते हैं, उनका बसेरा है यहाँ पे, और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है इतनी खड़ी धूप में भी। तो चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं महोत्सव देखने के लिए, और आगे जाना पड़ेगा। उस बीच में हम लोग नाश्ता करेंगे, चाय नाश्ता वगैरह करेंगे, क्योंकि अपन आज खाना खाए नहीं है, ऐसे घूमने के लिए यहाँ निकल पड़े हैं। वैसे तो तानी जी यहाँ पे गुपचुप खाएंगे करके बोले, तो अपन गुपचुप बना रहे हैं बढ़िया सा, दादाजी तो खाते हैं गुपचुप। और 10 का कितना बताए, 7, 10 का 7 है। यहाँ पे टेस्ट करते हैं मेन पार्ट का गुपचुप, देखो भैया जी कहाँ पे दुकान लगाए हैं भाई, एकदम सीधा नीचे वो बताएगी। ठीक है, हाँ बढ़िया है, आपके यहाँ अपन भी खाते हैं। तो ये कमलेश्वरपुर है, यहीं से अपने को मेला के लिए जाना है, शायद मेरे ख्याल से मेला इस साइड है। फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने वाले हैं, रानी दिवांगन और मैं दोनों मिलके, देखते हैं क्या खाने को मिलता है। दुकान लगे हुए हैं देखिए, सैंडल के, जूते के, और इस तरह से अच्छा स्पेस में है बैठने के लिए। तो देखते हैं रानी जी बताएँगे क्या खाएँगे करके। क्या क्या भैया, डोसा मिल जाएगा क्या? दो कर लेना, दो कर दो डोसा। तो दो मसाला डोसा अपन खाएंगे। गाइस तो हमारा डोसा आ गया है, ये देखिए, और ये चटनी मिला हुआ है दो प्रकार की, ये वाला मेरा फेवरेट है, ये शायद दिखने रहो ये वाला, इसको कौन सा चटनी बोलते करूँ, टमाटर की चटनी है ये, बहुत स्वादिष्ट रहता है भाई, खा कर देखिएगा आप। तो ये गाइस मसाला डोसा है, वाइट एंगल नहीं ना तो मेरा चेहरा कट जाता है। खाते हैं बाबा, देखते हैं, खाते हैं। ये रहा अच्छा बनाया, अच्छा चटनी मेरा फेवरेट है, और जो नारियल की चटनी है वो भी अच्छी खासी है। अच्छे से मिक्स नहीं हुआ नारियल की चटनी जो है, तो ये खा के ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस तो यहाँ पे हमने डोसा खा लिया है, पेट ऑलमोस्ट टना टन हो गया भाई साहब, अब मेला घूमते हैं।
गाइस तो आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं मेन पार्ट महोत्सव में। जस्ट मेरे पीछे साइड में ये देखिए, और मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्किंग किया है। यहाँ पार्किंग का कोई स्थान नहीं है गाइस, लेकिन मैंने यहीं पे पार्क कर दिया है अपनी बाइक को। वो हमारी वो देखो वहाँ पे खड़ी है। तो चलिए आप लोगों को मेला घुमाते हैं और मैं खुद घूमता हूँ गाइस। तो यहाँ पे स्टेज है ये देखिए, और यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम होंगे रात के 12 बजे तक। शाम से चालू होगा, मतलब कि 11 बजे से चालू हो जाते हैं यहाँ पे कार्यक्रम। तो देखिए कितना सुंदर सा यहाँ पे स्टेज बना हुआ है, और यहाँ पे फुहारे हैं। मेला पीछे से रह गया है, तो मेला बंद थोड़ा देर के बाद आप लोगों को दिखलाएंगे। पहले एक बार स्टेज देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सा डेकोरेशन किए हैं फुहारे का। देन यहाँ पे कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत सा लोकेशन है ये मेन पार्ट का। और यहाँ पे लाइटिंग भी दी गई है ताकि रात के समय भी अच्छे से दिख पाए। गाइस तो अभी हम मेला की ओर आगे बढ़ते हैं, वहीं से हम लोग स्टेज देखने के लिए आए हुए थे, बट यहाँ पे हो रहे कार्यक्रम। आप लोगों को साउंड भी सुनाई दे रहा होगा, अपन रात को देखेंगे। कार्यक्रम चल ही रहे हैं जोरों शोरों से, बट माहौल है भाई, पहला डे में ही माहौल है आज। तो इधर चलते हैं, इधर है मेला सेक्शन, और दिखाते हैं कौन कौन से दुकान लगे हुए हैं और झूले कौन कौन से यहाँ पे लगे हुए हैं। गाइस तो ये रहा मेन पार्ट महोत्सव, मेला है, कार्यक्रम जहाँ हो रहे वो स्टेज भी आप लोगों को मैंने दिखला दिया। 13 तारीख को यहाँ पे सोनू निगम आने वाले हैं ऐसा करके पता चला है, और यहाँ पे ताने जी कुछ खरीदने लगता है। देखो एक से एक है भाई, तानी जी यहाँ गॉगल्स खरीदने वाली हैं। दिखा तानी, अरे वाह बड़ा दिख रहा है, ठीक दिख रहा है वैसे। और इसे छोटा छोटा है, इसे थोड़ा और छोटा, ये भी पहन के देखता रहूँ। इधर दिखा नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है गाइस। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से पूरे दुकान है, माला कॉस्मेटिक सामान अंगूठी, इधर है कप के शॉप है, यूनिक यूनिक कप आए हुए हैं। और ये है इधर, अच्छा अभी दुकान सजना चालू हुआ है, और यहाँ पे कर्स लोग के लिए कपड़े भी आए हुए हैं। ये देखो यूनिक यूनिक, और इधर भी वही है दुकान, और मेला मड़े में सब वही सब दुकान होते हैं। और इधर बर्तन मिल जा रहे हैं भाई, ये देखो कढ़ाई है, छन्नी है, तावा है, तरह से कैप वगैरह भी है, और गोगस ही गोगस है चारों तरफ। और इधर भी एक घड़ी, बाकी इस तरह से पूरा सजा हुआ है दुकान। इससे पहले जो दिखा रहा था वो वाला सेक्शन था। तो चलिए इसको अभी मैं झूला सेक्शन की ओर आ गया हूँ। ये मेरे पीछे साइड में आसमानी झूला, और यहाँ पे फोटो स्टूडियो भी है ये मेरे पीछे साइड में। तो यहाँ पे दो जगह आसमानी झूला लगा हुआ है। तो चलिए आप लोगों को बैक कैमरा से दिखलाते हैं। और यहाँ पे गर्ल्स है जो टैटू बना रही है, ये देखो गाइस, भाई साहब इसको देख के डर लग जाता है, पता नहीं लोग कैसे बैठ जाते हैं इसमें। अभी गाइस उतना माहौल नहीं है, अब पता नहीं माहौल कल रहेगा कि परसों रहेगा। परसों सोनू निगम आने वाले हैं गाना गाने के लिए ऐसा करके मुझे यहाँ पे पता चला है। और ये देखिए हनुमान जी, और ये बच्चे लोगों के लिए अभी फिलहाल बंद हो गए हैं, और यहाँ पे फंसाया जा रहा है। यहाँ पे माला है देखिए यूनिक यूनिक, और यहाँ भी कप सेट है, 150 सेल हो रहा है यहाँ पे। और ये आसमानी झूला आप लोगों को अभी दिखलाया। लेकिन यहाँ पे ब्रेक डांस भी है, और ट्रेन वाला भी है, और ये बच्चे लोगों के लिए जो चल रहा है। और यहाँ भी चूड़ी कंगन के शॉप हैं बढ़िया सा, आइए विजिट करिए, 3 दिनों का मेला है गाइस। तो यहाँ पर हल्का का माहौल है, जहाँ भी हम लोग थोड़ा देर पहले गए थे वहाँ पर उतना ज़्यादा क्राउड नहीं था। फिलहाल इस साइड चलते हैं, और जहाँ पे माहौल नहीं रहता ना वहाँ पे वीडियो शूट करने का मन भी नहीं करता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे में ही है स्टेज जहाँ से हम लोग होकर आए थे। यही फुक्का बेच रहे हैं, अरे वाह, घोड़ा है कि घोड़ी है कि गधा है पता नहीं, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। इसको भी लेके आए हुए हैं भाई लोग। तो यहाँ पे स्टेज है, यहीं पे हम लोग शुरुआत किए थे अपना व्लॉग, और पीछे तरफ गए थे मेला देखने के लिए। ये मेला वाला सेक्शन है, पूरा घूम कर आ गए। इस साइड उतना ज़्यादा माहौल नहीं है,
आई थिंक कल से माहौल चालू होगा क्योंकि आज पहला डे है। गाइस तो यहाँ पे देखे कितना सुंदर सा स्टेज सजा हुआ है मेन पार्ट महोत्सव का। रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। देखो कंटिन्यू यहाँ पे, हालांकि लोग नहीं लेकिन फिर भी कंटिन्यू यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं। गाइस तो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ तो है नहीं दिखाने को, और जो मेन कार्यक्रम वो कल से स्टार्ट होंगे। अभी तो फिर भी डांस वांस चल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द।